अगर इंग्लिश बोलना आपकी दिक्कत है, अगर इंग्लिश बोलने में आप हेजिटेट करते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, अगर आपको कहीं ना कहीं से फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखना है, अगर आप आसान तरीकों को खोज रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानी दोस्त। मैं हूँ आपका ज्ञानी दोस्त और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप आसानी से फ्लुएंट इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। ओके, सो आई विल डेफिनेटली नॉट टॉक अबाउट द वेरी हाई फाई इंग्लिश वर्ड्स और हाई फाई इंग्लिश सेंटेंसेस। मैं सिर्फ सिंपली आप नॉर्मल इंग्लिश में कैसे कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं और कैसे आप नेचुरली इंग्लिश बोल सकते हैं, कौन से तरीकों को अपनाएं, इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन जो इंग्लिश का है वो है लिसन, सुने। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, आप बिल्कुल नेचुरली, देखिए जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, 3 साल का 4 साल का, जो यूरोप में पैदा हुआ है, वो कैसे इंग्लिश बोल पाता है? क्योंकि उसने उन चीज़ों को सुना है और उन चीज़ों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ गई हैं। इंटरनेट आपके पास है, हमारे जियो का, रिलायंस का, अंबानी जी की कृपा से सबके पास मोबाइल है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश को सुने, नेचुरली सुने। बहुत बार हम जैसे कोई लैंग्वेज के गाने हैं, आपने डेस्पासीटो डाडा बाडा माडा माडा डेस्पासीटो, ये हमें नहीं पता ये कौन सी लैंग्वेज का ये गाना है, लेकिन हमने ये इतनी बार सुना है कि वो नेचुरली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हो सकें उन्हें आप देखें। आप यूट्यूब में जाएँ, कोई से भी इंग्लिश के वीडियोज़ हैं, इंग्लिश के सीरियल्स हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सुने। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश के वीडियोज़ सुनेंगे, देखेंगे, नेचुरली आपके माइंड में आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वो वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे और उन शब्दों का आप बोलना नेचुरली शुरू कर देंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि हमारे मेरे होम टाउन में एक लड़का था शाम करके, वो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल पाता था, उसको इंग्लिश की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन था, कोई से भी ऐसा क्रिकेट मैच नहीं छोड़ता था। और एक दिन वो अचानक से बोलने लगा, मैं हैरान हो गया, दिस वॉज इंडीड अ गुड बॉल बाय सचिन तेंदुलकर एंड वी हैव टू रियली पुल अप आवर सॉक्स टू डू। मैं हैरान हो गया, हिंदी मीडियम में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ ये लड़का, ये इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल रहा है? लेकिन वो सिर्फ क्रिकेट वाला ही बोल पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसने रेपिटिशंस के साथ उसको बार बार सुना है। तो आप एक कसम खा लें रोज़ कि रोज़ सुबह उठ के, क्योंकि क्या होता है, हम एक बार डिसाइड कर लेते, बाद में हमें आलस आ जाता है, कौन करे क्या ना करे, हो तो रानी है कुछ, मैं यकीन मानिए, आप कसम खा लें कि रोज़ आप सुबह उठ के 1 घंटे इंग्लिश को सुनेंगे, कोई से भी इंग्लिश के वीडियोज़ जो भी हो आप इंटरनेट पर लगाइए, आप उन्हें सुनिए। दी है पॉइंट नंबर 1, लिसन। पॉइंट नंबर 2 वो है जो मैं भी हमेशा यूज़ करता हूँ, वो है व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ। ठीक है, आपको अंग्रेज़ी में बोलना है, अभी आप सोचना शुरू कीजिए, अंग्रेज़ी में बोलना है कि अभी क्या कुछ इस समय हो रहा है। ओके, व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, ओके आई एम वॉचिंग दी, ये सब आप सोचिए और बोलिए, आई एम वॉचिंग द वीडियोज ऑफ ज्ञानी पंडित, आई एम वॉचिंग द वीडियो ऑफ ज्ञानी दोस्त, आई एम वॉचिंग यूट्यूब वीडियो, ओके बर्ड्स आर चर्पिंग, ओके कार्स आर मूविंग, माई मदर इज मेकिंग फूड, ओके वट इज हैपनिंग राइट नाउ, ओके वट इज हैपनिंग राइट नाउ, कीप थिंकिंग, ओके समबडी इज शाउटिंग आउटसाइड, ओके वट इज हैपनिंग राइट नाउ, आई एम मेकिंग यूट्यूब वीडियो, कीप थिंकिंग कि इस समय क्या हो रहा है, उसको अंग्रेजी में सोचिए, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी बोलते हैं, जिसमें कि हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा के बोलते हैं, क्योंकि 90% हम जब डे टू डे में कॉन्वर्सेशंस करते हैं तो उसमें हम यही बात करते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ। ओके, सेकेंड पॉइंट आपको बता दिया, कीप थिंकिंग व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ। थर्ड पॉइंट, कीप थिंकिंग
What happened yesterday? ओके क्योंकि जनरली हम किसी से भी जब अंग्रेजी में बात करते हैं हम उसको बताते हैं कि हाँ यार कल मैं वहाँ गया था, उसके बाद उसने मुझे ये बोला, उसके बाद उसने ये बोला. तो जो भी आपने आज सुबह से किया है अब तक रात को सोने से पहले वो अंग्रेजी में बोलें. ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपन्ड यस्टरडे और व्हाट हैपन्ड टुडे. रात को जब सोएं तो उससे पहले आप पूरा का पूरा डे अपने आप को नरेट करें. नहीं आएंगे वर्ड्स कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें उसमें. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें क्योंकि आप पास्ट टेंस की प्रैक्टिस आपको हो जाती है. जैसे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज हो रही है. देन आई वेंट टू माई वॉशरूम, आई हैड माई बाथ. Then I had my breakfast, I went to my school, I met my friends there. After meeting my friends, I studied Hindi, English and mathematics. After that, I had my lunch, I ate my lunch. After that, I went to washroom, I came back. जो भी आपने सारे दिन किया है वो आप रात को सोने से पहले नरेट करें. What I did today या what I did yesterday. पहले नहीं आएंगे words, कोशिश करेंगे पहले नहीं आएंगे words, लेकिन धीरे धीरे जब आप करेंगे तो naturally वो words आ जाएंगे. ये है point number 3, what happened today या what happened yesterday. ये आपको narrate करना है अपने आप को रोज रात को सोने से पहले. अब आते हैं point number 4 में, English improve करने के लिए, fluent English बोलने के लिए. देखिए मैं बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल्स में जो इंग्लिश होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आप कभी किसी को इंटरव्यू देते हैं, कभी किसी से बात करते हैं, ठीक है, वो यकीनन गिन के सिर्फ वो 100 sentences है जो पूरी दुनिया यूज़ करती है. सिर्फ गिन के 100 sentences है, उन 100 sentences को हम याद कर लें. ठीक है, वो 100 sentences कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हे व्हाट इज़ योर नेम, हाउ यू आर डूइंग टुडे, ओके हाय माय नेम इज़ ज्ञानी दोस्त एंड आई एम मेकिंग यूट्यूब वीडियोस नाउ अ डेज, ओके हाउ इज़ योर मदर, हाउ इज़ योर फादर, ओके टेलिंग अबाउट योर सेल्फ, येस आई एम स्टडिंग जर्नलिज्म नाउ अ डेज, येस आई एम लिसनिंग म्यूजिक नाउ अ डेज. ठीक है, वो जो लगभग 100 sentences हैं वो आप याद कर ले, क्योंकि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उस तरह के 100 sentences ही यूज़ करते हैं. अब आप ये जानना चाहेंगे कि वो 100 sentences क्या है, इनके बारे में मैं एक अलग से YouTube अपने नेक्स्ट चैनल में बनाऊंगा जिसमें कि आप उन 100 sentences को यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ अंग्रेज़ी को लेकर के. मुझे भी इंग्लिश की बहुत दिक्कत थी और मैं खुद ही हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का हूँ, तो मैंने क्या किया कि सॉरी मुझे खांसी आ गई. मैंने क्या किया कि मैंने गलत हो या सही हो, देखिए जिस तरह हमें, मैं आपको स्विमिंग की कितनी भी नॉलेज दे दूँ लेकिन जब तक आप पानी में घुसोगे नहीं तब तक आप स्विमिंग नहीं कर पाओगे. उसी तरीके से जब तक आप इंग्लिश बोलोगे नहीं तब तक आपको नहीं आएगी. तो ये एक कोशिश कर लें कि आप शीशे के सामने अपने आप से बात करें इंग्लिश में. हाय अपना नाम बोलते हैं, हाउ आर यू, अपने आप को जवाब दें. क्योंकि जब गलत बोले कोई बात नहीं, गलत बोले इंग्लिश लेकिन बोलें ये ज़रूर होगी. धीरे धीरे मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए, लिसन इंग्लिश, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना इंग्लिश को आप लिसन करें, सुने, यूट्यूब से सुने, टेलीविजन से सुने, रेडियो से सुने, इंग्लिश के गाने सुने. रिकैप कर रहा हूँ. दूसरा, व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, रोज जब भी बैठे हुए इस समय आसपास क्या हो रहा है, कार्स आर मूविंग, ट्रेन इज़ कमिंग, बस इज़ गोइंग, ठीक है, somebody शाउटिंग आउटसाइड, आई एम मेकिंग यूट्यूब वीडियो, यू आर वॉचिंग यूट्यूब वीडियो, वो सब व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. उसके बाद सोचें व्हाट आई डिड टुडे, आज सुबह से उठ के हमने क्या किया उसको करें. व्हाट आई डिड यस्टरडे, कल सुबह से उठ के कल शाम तक क्या किया उसको करें. और उसके अलावा 100 ऐसे सेंटेंसेस है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उनको याद कर लें, रट लें. इसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश बोलने में है कोई दिक्कत, अगर आपके हैं कोई सवाल, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैंने बहुत सिंपल बातें की हैं क्योंकि सिंपल स्टेप्स ही हमारी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं. अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें.
आपकी है कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वो भी लिखें, बुरा लगा हो तो वो भी लिखें, और मेरे YouTube चैनल में आने के लिए थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube वीडियो. विश यू गुड लक कि आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव हो, बहुत जल्दी अच्छी हो. दिस इज़ योर ज्ञानी दोस्त साइनिंग ऑफ. गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार.